पंचकुला में वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। समग्र शिक्षा के तहत वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स की मांगों को लेकर विभाग द्वारा अपनाई जा रही ढीली कार्यशैली के कारण किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ स्थित आवास पर मुलाकात के लिए कूच करने की थी तैयारी, लेकिन पंचकुला पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस ने पंचकुला के धरना स्थल पर ही प्रदर्शनकारियों को रोका। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। 22 जून 2023 को सर्व शिक्षा अभियान समृद्ध शिक्षा के तहत हरियाणा के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में अगस्त 2014 से कार्यरत वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स ने परिषद के द्वारा बनाए गए बायलॉज 2013 में कवर करने की कर रहे हैं मांग। जी, जो आपका आज का प्रश्न थोड़ा रजत जोर से। मेरा नाम रजत भट्ट है, मैं संघ का प्रेसिडेंट हूँ। एक्चुअली हम लोग पिछले 4 महीने से धरने पर बैठे थे, जिसके चलते हमारी कोई भी मांग नहीं सुनी जा रही थी। तब क्या किया, हम लोगों ने अनशन लेने का फैसला किया। जब हम लोगों ने अनशन किया तो 6 दिन के बाद श्री माननीय राजेश कुल्लर जी ने हमारा अनशन खुलवाया और हमें आशीर्वाद दिया, हमें कहा कि आपका कार्य जरूर होगा और हमारी फाइल को पुट करवाया। फाइल चलते हुए काफ़ी दिन हुए, जिसमें एक दो बार फाइल नेगलेक्ट भी हुई, लेकिन दोबारा से फाइल पुट हुई और जो हमें ग्रेड पे चाहिए था उसके अनुसार बना और उस एजेंडे को ईसी की मीटिंग में रखवाया गया। लेकिन ईसी की मीटिंग में पहुंचने के बाद हमें 10 साल काम करने के बाद ये बोला जाता है कि अब आपको बायलॉज नहीं मिला जाएगा। हमारी संस्था में SSC में, जो कि अब समग्र शिक्षा हो चुकी है, उसके अंदर एक क्राइटेरिया है कि आप जब भी 5 साल तक सेटिस्फैक्ट्री जॉब करते हो तो आपको बायलॉज दिया जाएगा। उनका कहना है कि आपको बायलॉज नहीं दिया जाता बिकॉज आप शुरुआत में पार्ट टाइम थे। लेकिन साथियों, बात यह है कि हमारे पार्ट टाइम नहीं हम लोग, क्योंकि जो हमारा जो जॉइनिंग लेटर था उस पर साफ साफ लिखा गया कि आप इस कार्य के अलावा कोई भी कार्य नहीं कर सकते, इवन कि आप प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते, तो हम लोग पार्ट टाइम कैसे हुए। लेकिन अगर हम पार्ट टाइम की बात भी करें तो आज हम लोग 10 साल कवर कर चुके हैं, तो 10 साल के बाद हमारा बायलॉज बनता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम आपको बायलॉज में नहीं ले सकते क्योंकि आपका क्राइटेरिया नहीं है, तो मैं आपको बता दूं मीडिया के माध्यम से कि जो सिम लगे हुए थे, जिनको IOLM बोलते हैं, ये लोग भी बिना बायलॉज के, जब इनकी जॉइनिंग बायलॉज नहीं लिखा था उसके बावजूद भी इनको बायलॉज में शामिल किया गया। बकायदा इनकी ड्यूटी हटा दी गई थी 6 महीने के लिए, उनके बाद इनको ज्वाइन करवाया, उनके बाद इनकी सैलरी बढ़ाई गई और इनको अमेंड करके बायलॉज में ले लिया गया। जबकि हम जो है, जो हमारा क्राइटेरिया है, जो हमारी स्थिति होती है, उस पर क्या होता है कि जो भी डायरेक्ट रूप से SSC में लगता है उसको बायलॉज दे दिया जाएगा, और जो हम लोग हैं डायरेक्ट बायलॉज के थ्रू लगे हुए हैं, मतलब हम लोग डायरेक्ट भर्ती के थ्रू लगे हैं। लेकिन हमारी मांग सिर्फ इतनी सी थी, जो एक CM साहब का साइन है उस पर हमें वो चाहिए, जिससे कि हमारी फाइल अप्रूव हो जाएगी। तो उसके चलते आज हमको CM साहब का पूछ करना पड़ा। आपकी फाइल कहाँ तक गई है, कहाँ अटकी हुई है और क्या इसमें प्रोसीजर है? जी जी, जो हमारी फाइल थी वो अपने SPD साहब ने पास कर दी थी, अपने ACS साहब ने पास कर दी थी, हमारे मुद्दे को EC की मीटिंग में डाल दिया था। तो EC की मीटिंग से हमारा मुद्दे में ये कहा गया कि आपके लिए हमारे पास फंड नहीं है, ठीक है, और CS साहब ने कहा कि हम आप किसी को बायलॉज नहीं दे सकते। तो हमारी फाइल साफ जी, फाइल जो हमारी फाइल है वो SPD साहब से पास हुई पड़ी है, अपने ACS साहब से पास हुई पड़ी है, और हमारा एजेंडा था जो EC की मीटिंग में चला गया था। लेकिन वहां पर जाने के बाद हमारे माननीय जो भी फंड के हैं रस्तोगी जी, उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है, और देन जो हमारे CS साहब हैं उन्होंने कहा कि अब किसी को बायलॉज नहीं दिया जाएगा। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप अब चाहे बायलॉज मत दें, लेकिन हम लोग पिछले 10 साल से लगे हुए, तो हमारे पर बायलॉज क्यों नहीं लागू किया जा रहा? कितने लोग हैं हमारे पास? 355 लोग हैं सर हम लोग। तो आज आप सीमा से वगैरह करने जा रहे हैं? कर रहे हैं जी। तो कोई मीटिंग के लिए परमिशन से मिलना है अभी? कोई मीटिंग के लिए कुछ भी नहीं आया। इन्होंने पूछा कि आपको किससे मिलना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ CM साहब से मिलना है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।